हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ की स्टैंड। आप इस तरह से प्लाई बोर्ड का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसमें मैं एक तरफ इसको पेंट करूंगी। पेंट करने के बाद उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। आप कोई भी पेंट ले सकते हैं। इस तरह से आप इसको प्रिंट करेंगे। इसकी छोटी छोटी दराजें भी आप भर दें जिससे कि उसे दिखाई ना दे। हमारा एक स्मूथ सरफेस तैयार हो जाएगा। यह हमारा एक स्मूथ सरफेस तैयार हो जाएगा, जहाँ पे भी आपको दिखे खुला हुआ उसे। ये मेरे घर में पड़ी हुई एक प्लाई का टुकड़ा था, तो मैंने सोचा कि लाओ मुझे एक DIY बनाऊं। इसको मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी, कम से कम 2-3 घंटे। ये भी अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद मैं इस पर कोई भी पैटर्न, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, आपकी पसंद हो, वो उसे बना सकते हैं। मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं बनाऊंगी। जब तक ये सूखता है तब तक मैंने एक खाली बॉक्स लिया है, मैं इसे भी कलर करूंगी। ये मैं बनाऊंगी हैंगिंग प्लांटर। इसको भी मैं इसमें अंदर मिट्टी डालूंगी, इसलिए मैं इसे अंदर कलर नहीं करूंगी। मैं इसे बाहर कलर करूंगी, क्योंकि मुझे अंदर मिट्टी डालना है, तो बाहर कलर करके मैं सूखने के लिए इसे रख दूंगी।
इसको मैं अच्छे से सूखने के लिए रख दूँगी। मोस्टली ये हो गया है, फ्रेंड्स मेरे द्वारा बनाए हुए चीज़ों को अगर आप पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें। ये मोस्टली हो गया, अब ये सूखने के बाद अपना अच्छा सा कलर ले लिया। देखिए बाकी फ्रेंड्स ये प्लास्टिक है, तो ये प्लास्टिक पे, पॉट होता तो पॉट पे ज़्यादा अच्छे से कलर लेता, ये प्लास्टिक है इसलिए इतना अच्छा कलर नहीं लेगा, मगर फिर भी ये वाइट से तो कलरफुल हो ही गया। सो अब मैं इसे भी सूखने के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स